सबसे पहले केएमएल फाइल बनाने के लिए आपके मोबाइल में एक ट्रैक लिया नाम का ऐप होना चाहिए, जो कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे और सिंपल TRA ट्रैक ट्रैक लिया GPS KML KMZ व्यू एडिट क्रिएट, ये ऐप होना चाहिए। इसके बाद सिंपली आपको डाउनलोड करना और इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे हम इसका इंटरफेस देख रहे हैं, और यहाँ सबसे पहले हम जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं दाहिने साइड में, उस पर क्लिक करते हैं और उसमें सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं क्रिएट वे पॉइंट। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन मांगता है जिसमें हम ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे पंचायत लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पुट करते हैं। और इसको सेव करते हैं। उसके बाद ये जहाँ का लोकेशन रहेगा वहाँ पे शो करेगा। इसको हम यहाँ प्लस के साइन से जूम कर लेंगे। जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम कई तरह के मैप हमारे पास है, गूगल मैप, गूगल मैप टेरेन, गूगल मैप सैटेलाइट। हम जब भी काम करेंगे गूगल मैप सैटेलाइट में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम फील्ड देख रहे हैं, और यहाँ पे सिंपली हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं और फिर से वही 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं। बाएं हाथ पे यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल ऐड फॉर्म लिखा हुआ है। मान लीजिए उसका फील्ड जो है यहाँ से शुरुआत है, इस पॉइंट को वहाँ रखेंगे और सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरे छोर पे ले जाएंगे इस पॉइंट को और वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे। हर बार ऐड बटन को क्लिक करना है जब तक कि अपना सारा काम पूरा ना हो जाए। ये फाइनली, अब मान लीजिए तालाब वो क्लोज बनाना चाहता है कहीं पे इसी कोने में, तो फिर सिंपली ऐड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है दाहिने साइड में, उस पर क्लिक करते हैं। अब उसमें नेम मांगेगा, तो यहाँ पे हम किसान का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर लेना है। उसके बाद इस बनाए हुए मैप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें आता है एक्शन, एक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे सबसे ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू फाइल, तो सिंपली हम एक्सपोर्ट टू फाइल को क्लिक करेंगे और KML फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे जिसका ये फाइल है। आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे किसान का नाम दे सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपसे ये अपने आपके मोबाइल में स्टोरेज मांगेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे आइए
और न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक फाइल बना लीजिए अपने मोबाइल ऐप में, KML फाइल। ओके, इसके बाद वो फोल्डर यहाँ शो करने लगेगा, KML फाइल, उसमें हम सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया और ये पूरा KML फाइल हमारे मोबाइल में सेव हो गया। अब अगर हमें इसको देखना है तो सिंपल इसको फाइल एक्सप्लोरर में जाके उसमें हम KML फोल्डर में जाके इसको जो हमने बनाया संजीव KML ये फाइल रहा, इसको सिंपली ओपन। अब हमें इसको चेक करना है कि हमारा फाइल सही है कि नहीं, इसको हम अर्थ में ओपन किए। हमारे द्वारा बनाया गया फाइल यहाँ पे विजिबल है, इट मींस करेक्ट है। इसी फाइल को उठाना है और सिंपली सेव और क्लिक करना है और आवेदन को फॉरवर्ड कर देना है।